मोडस पोनेंस इसका आर्ग्यूमेंट फॉर्म ये है पहली प्रेमिस कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू दूसरा प्रेमिस पी कंक्लूजन क्यू क्या बोल रहा है मोडस पोनेंस अगर पी इंप्लाइज़ क्यू ट्र्यू है एंड इस कंडीशनल स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट पी वो भी ट्र्यू है तो उस केस में जो कंसिक्वेंट क्यू है वो क्या होगा ट्रू होगा ये अफर्म कर रहा है ट्रुथ ऑफ कंसिक्वेंट का इसीलिए कई बार मॉडर्स को हम मोड दैट अपम्स भी बोलते हैं क्या अपहम कर रहा है ये कि अगर एंटीसीडेंट ट्रू है तो कंसिक्वेंट की ट्रूथ को अफर्म कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म की ट्रुथ टेबल से हम देखेंगे कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स पी एंड क्यू की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन प्रमिस वन की ट्रुथ पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज पी इंप्लाइज क्यू एंड पी जो दोनों प्रोमिसज हैं कंबाइंड उनकी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज हम देख सकते हैं कि जब भी दोनों प्रमिसेज ट्रू हैं तो जो कंक्लूजन है वो भी क्या है ट्रू है इसलिए ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है एक एग्जांपल लेते हैं इफ द मून इज विजिबल देन इट इज नाइट टाइम द मून इज विजिबल देर फॉर इट इज नाइट टाइम सपोज हमारा पी प्रपोजिशनल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है द मून इज विजिबल और क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल डिनोट कर रहा है इट इज नाइट टाइम तो जो ऊपर आर्ग्यूमेंट है उसकी पहली प्रेमिस बन जाती है P इंप्लाइज Q, सेकेंड प्रेमिस बन जाती है P देर फोर कंक्लूजन बन जाता है तो P इंप्लाइज Q, P देर फोर क्यू ये कौन सी फॉर्म है मॉडसपोन क्योंकि मॉडल पॉनस जो है एक वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म होती है तो ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है एंड एज ए रिजल्ट जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है वो कैसा आर्ग्यूमेंट है वैलिड आर्ग्यूमेंट है इसकी आर्ग्यूमेंट फॉर्म होती है कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू नॉट क्यू देर फोर नॉट पी ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म बोलती है कि सपोज पी इंप्लाइज क्यू ट्रू है और जो कंसिक्यूंट है वो ट्रू नहीं है तो जो एंटीसीडेंट है पी इम्प्लाइज क्यूब में वो भी ट्रू नहीं होगा तो हम इसको इस ढंग से इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो मॉडर्स टॉलेंस है ये जो है एंटीसीडेंट को डिनाई कर रहा है इसलिए हम मॉडर्स टॉलेंस को कई बार मोड दैट डिनाइज भी बोलते हैं इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म की ट्रुथ टेबल बनाकर देखते हैं कि यह आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड आर्ग्यूमेंट है प्रपोजिशनल वेरिएबल्स पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यूज के पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहली प्रीमिस की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज नेगेशन क्यू की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू दोनों प्रोमिसज को कम्बाइन कर रखा है उसकी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज कंक्लूजन निगेशन पी की पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ और हम देख सकते हैं कि जब भी दोनों प्रमिसेज ट्रू हैं तो जो कंक्लूजन है वो भी क्या है ट्रू है इसका मतलब ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है एक एग्जाम्पल लेते हैं इफ़ इट स्नोज टूडे द यूनिवर्सिटी विल क्लोज प्रोमिस टू द यूनिवर्सिटी इज नॉट क्लोज टूडे कंक्लूज़न इट डिड नाट स्नो टूडे इट स्नोज टूडे हम इसको पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं द यूनिवर्सिटी विल क्लोज टूडे इसको हम क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं तो जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है उसकी आर्ग्यूमेंट फॉर्म ये बन जाती है इफ इट्स स्नोज टूडे द यूनिवर्सिटी विल क्लोज पी एम्प्लाइज क्यू प्रमिसन द यूनिवर्सिटी इज नॉट क्लोज टूडे निगेशन क्यू कंक्लूजन इट डिड नॉट स्नो टूडे निगेशन पी देख सकते हैं ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म है मॉडस टॉलेंस की और जो मॉडस टॉलेंस होता है उसकी आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म होती है तो इस वजह से यह आर्ग्यूमेंट भी कैसा है वैलिड आर्ग्यूमेंट है